की हड्डी का इलाज या रीढ़ की हड्डी का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, क्यों? बहुत सारा प्रयास करने के बाद, अनेकों अनेक डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी रीढ़ की हड्डी का दर्द क्यों नहीं जा रहा है? क्या केवल डॉक्टर की गलती है या रोगी की भी गलती है? इस बात को हमें जरा सोच लेना चाहिए, थोड़ा विचार कीजिए। 2 साल पहले आपको दर्द हुआ, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि रीढ़ की हड्डी में नस दब गई। नस दब गई, आपने डॉक्टर से दवाई ली, ठीक ठाक दवाई दी उसने, और जब तक दवाई खाई तब तक आराम, फिर से दर्द आ गया। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसके पास ट्रीटमेंट कराया, उससे दवाई ली, उसके ट्रीटमेंट लेने के बाद, दवाई लेने के बाद जब तक खाई तब तक आराम रहा, फिर से दर्द आ गया। लोगों ने बोला MRI करा लो, मैंने MRI कराई, पहले वाले में एक्सरे भी निकला था, यानी कि पहले एक्सरा देख करके भी कुछ लोग बोल देते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी की नस दबी हुई, तो एक्सरे भी बोलने वाले बोल देते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड टाइम हमने MRI भी करा लिया, फिर भी नहीं हुआ, फिर हमने और अन्य अन्य जाँचें भी करा ली। तो सबसे पहले में तो आप समझो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, इसको आप समझिए। देखिए, रीढ़ की हड्डी में जो गद्दियाँ होती हैं उसमें सबसे पहले आता है रूखापन, जिसको बोलते हैं डिस्क डेसिकेशन। यदि रूखापन है और गद्दी को आगे लगातार न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वह रूखापन बढ़ता जाएगा, और वह रूखापन बढ़ते बढ़ते जो उसकी इलास्टिकसिटी है, जो डिस्क की इलास्टिकसिटी है, उसको काफ़ी कमज़ोर कर देगा। और डिस्क की यदि इलास्टिकसिटी कमज़ोर हो जाएगी तो आप आगे झुकने में, पीछे झुकने में, राइट झुकने में, लेफ्ट झुकने में तकलीफ आपको महसूस होगी ही होगी, ऐसे समझो। ये हमारी हड्डी की डिस्क है, दो हड्डियां हैं, एक ये हड्डी मान लेते हैं, मानना है, ऐसा मत सोचना कि जो है मैंने बोल दिया तो बस ये गलत बोल रहा हूँ, मतलब एक मान लीजिए कि ये हड्डी है और नीचे भी एक हड्डी है। अभी ये गद्दी को हमने दबाया, अभी प्रेशर पड़ रहा है, अब ये मान के चलिए गद्दी रूखी है, इसमें इलास्टिकसिटी की कमी है, तो जब हम इधर दबाएंगे तो दूसरी साइड से ये उठेगी, तो वहाँ पे मांसपेशियों पे क्या पड़ेगा, खिंचाव होगा, वो अच्छे से खिंचाव को नहीं ले पाएंगी। जब अच्छा खिंचाव महसूस नहीं करेंगी तो आपको पेन जनरेट करेंगी, वो इस बात का एहसास दिलाएंगी कि मुझे रिलैक्स करो, नहीं तो आपको पेन होगा। जैसे ही आप उसको रिलैक्स करते हैं आपको आराम मिल जाता है, पर हमने उसके रूखेपन पे काम नहीं किया, हमने क्या किया, दर्द की दवाई खाई, दर्द की दवाई खाई, 6 घंटे तक उसका असर रहा, 6 घंटे बाद आपको आराम मिल गया। अभी उसके करने के बाद में भी हम नहीं समझे, 2 महीने 4 महीने हो गए, फिर क्या हुआ, इस गद्दी में एक उभार निकल आया, इसको बोलते बल्ज, या बल्ज निकल आया। जब बल्ज निकल आया तो लगातार कमर में दर्द होने लगा, हम सुबह भी परेशान, शाम को भी परेशान, रात को भी परेशान। हमने डॉक्टर को दिखाया, बोले डिस्क बल्ज हो गया है, महीने भर दवाई खाओ, नहीं तो फिर देखा जाएगा, ऑपरेशन कर देंगे। हमने बल्ज का भी देख लिया, क्या उससे आराम मिला, बल्ज कम नहीं हो रहा है, फिर ऑपरेशन की नौबत आ गई, ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद में भी दर्द आ गया। अब ऑपरेशन करा लिया फिर क्यों दर्द आ गया भाई, क्योंकि उसका रूखापन नहीं गया ना, बल्ज आपने इतना कटवा के निकलवा दिया, पर इसमें जब तक रूखापन रहेगा तब तक आपका दर्द नहीं जाएगा। रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन करने के कई कारण बन सकते हैं, मैं ऑपरेशन का कतई कोई विरोध नहीं करता हूँ, ऑपरेशन भी एक चिकित्सा का हिस्सा है और ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए, करवाना भी चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये चिकित्सक के साथ साथ थोड़ा रोगी को भी समझना चाहिए। जब हमारा मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो कभी पूछता है क्या कि डॉक्टर साहब मुझे क्या तकलीफ़ है, और तकलीफ है तो जानने के बाद क्या खुद का इलाज तो कर नहीं सकता है, परंतु वो समझ तो सकता है उसकी बीमारी ये है, ये बीमारी है तो उसका ये ट्रीटमेंट है। वो डॉक्टर के पास जाता है सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर साहब मुझे 4 दवाई लिख दे, तो आप दवाई लिखवाते रहते हो, डॉक्टर आपको दवाई लिखता रहता है, आप समझना नहीं चाहते, डॉक्टर आपको समझा करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास भी और काम है। आप समझेंगे तो डॉक्टर आपको समझाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि हर डॉक्टर ये चाहता है उसका मरीज ठीक हो, उसका मरीज अच्छा हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के मरीज ठीक होंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास पेशेंट भी बढ़ेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है
कि यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो अपनी बीमारी को सबसे पहले पकड़िए, जानिए, समझिए कि आखिर दर्द आ क्यों रहा है। नहीं पता है तो अपने डॉक्टर से पूछिए, मुझे बीमारी कौन सी है। रीढ़ की हड्डी में दर्द आने के कई कारण हो सकते हैं, स्लिप डिस्क हो सकता है, डिस्क बल्ज हो सकता है, हर्निएशन हो सकता है, एस्क्रोलाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्पोर्ट इंजरी की वजह से आ सकता है, कोई ना कोई कारण तो निकलेगा। जो कारण है उस कारण को पकड़िए, उस कारण पे काम करिए, तब आपको जाकर ठीक होगा। और इलाज कराने के बाद में भी डॉक्टर की गारंटी नहीं है, क्योंकि इलाज कराना डॉक्टर से आप करा रहे हो, आपको दवाई लिख के दे रहा है, कर तो आप ही रहे हो ना। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो भी आपको सफलता नहीं मिलने वाली। एक सिस्टमेटिक ढंग से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और कई बार आजकल कायरोप्रैक्टिस है, स्नेहन स्वेदन पंचकर्मा कराने के बाद में, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में भी फिर भी दर्द रहता है, या तो वो हमारी लापरवाही से रहता है। ध्यान दीजिए इस बात।